हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज अपन डिस्कस करेंगे। हेडिंग ऑफ दिस इज एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड इस एक्सरसाइज में? एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड है आपके पास। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास फर्स्ट था एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। नेक्स्ट इन एक्सरसाइज नंबर 3.4 में आपके पास है एलिमिनेशन मेथड। क्या कहता है एलिमिनेशन मेथड? देखिए, नाम से पता चल रहा है एलिमिनेट करना, इसका मतलब क्या करना है? रिमूव करना है। या तो x को x से आप रिमूव कर दें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, या फिर आप क्या करें, y को y से रिमूव कर दें, मतलब कैंसिल कर दें। गॉट इट? सो आप ये जानते, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों इक्वेशंस में क्या करना है अपन को? इस मेथड के अंदर आपके पास टू इक्वेशंस गिवन होगी, एलिमिनेट करना है किसको? या तो x को x से आप रिमूव कर दें, या फिर y को y से रिमूव कर दें। दोनों एक साथ कभी भी एक साथ एलिमिनेट नहीं होंगे। अगर ऐसा हो जाएगा फिर कांस्टेंट बचेगा, और कांस्टेंट का क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास क्या होता है मेथड के अंदर, या तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो अननोन वेरिएबल होगा। ओके, ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास x ही वेरिएबल मिले, वहां पर y भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, या तो आप इन दोनों में कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा? a1 ही बनाना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन में किसी सेम टर्म से, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, से उन दोनों का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। या तो x का कोफिशिएंट सेम बना लो, या फिर y का कोफिशिएंट b1 b2 जो है वो सेम बना लीजिए। बस हमें सेम बनाने का मतलब उन दोनों का साइन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट मींस अगर वो प्लस माइनस का ऑटोमेटिकली है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। गॉट इट ना? अगर वो प्लस माइनस के हैं, अपोजिट साइन का साइन अगर आप सेम भी नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका अपोजिट साइन में दे रखा है तो आपको क्या करना है? ऐड करना दोनों इक्वेशंस को कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद। ओके, और अगर वो दोनों सेम साइन में हैं, सपोज नेगेटिव नेगेटिव है, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो आप क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। गॉट इट? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल एक और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I'm taking here two equations. First equation is x plus y is equal to 3. पहली equation लिया, simple, बिल्कुल एक normal general equation ले रहा है, x plus y equals to 3, equation number 1. And second equation, suppose my second equation is x minus y is equals to 2. ये second equation ले लिया, x minus y equals to 2. Okay? अब इन दोनों equations को एक बार आप देखें। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब कोएफिशिएंट पहले ही क्या है? सेम है। साइन को नहीं देखना एक बार, सेम है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं? अगर अपोजिट साइन है, सपोज यहाँ y का अपोजिट साइन है, अपन y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्योंकि अपन जानते हैं प्लस और माइनस जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, when we add equation number 1 and 2, then what we get? That is x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 2. दोनों equation को क्या कर रहे हैं? Add कर रहे हैं। तो sign change नहीं करेंगे, add करेंगे तो plus y minus y cancel. x plus x, that is twice of x, is equals to 3 plus 2 is 5. Okay, for finding the value of x, divide by 2 to that side, that is x equals to, we get that is 5 by 2. x का वैल्यू कितना आ गया? 5/2. ओके, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू x इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2. दोनों में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए. सपोज वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी टेक दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दैट इज 5/2 प्लस y इज इक्वल टू 3. अपन ने क्या करा, ये x equals to 5 by 2 जो वैल्यू थी आपके पास, ये उठा के कंप्यूट कर दी 1 में. Then what we get, that is 5 by 2 plus y is equal to 3. For finding the value of y, we transpose 5 by 2 to that side. That is, we get y equals to 3 minus 5 by 2. Now take the LCM. LCM is 2. LCM is 2. Then this one is becomes 6 minus 5, which is equals to 1 by 2. So we get y equals to 1 by 2. Hence, we get the two solutions, hence x equals to 5/2 and y equals to 1/2.
गॉट इट? ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो क्या करते थे अपन, एक्स की वैल्यू निकालते थे एक इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे, बट इन एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को सेम करके दोनों इक्वेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करेंगे और वापस। इसके अंदर थोड़ा सा कौन सा मेथड यूज आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे यूज में आता है। जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। आप एक्स में इक्वेशन नंबर वन में पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, या फिर आप एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। Got it? समझ में आ गया? इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।